हेलो व्हाट्सअप गाइज, आज हम लोग सीखेंगे कुछ इस टाइप के एडिटिंग। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा ले, ये वीडियो पूरा देखना, तभी आप लोगों को ये एडिटिंग समझ में आएगी। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। गाइज हम लोग आ चुके हैं पिक्स आर्ट में। इस बैकग्राउंड की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलते हैं ऐड फोटो में। आप लोगों को इस मॉडल का पीएनजी लेना है, आप वो कटआउट कर ले करके रखना, मैंने पहले से कटआउट करके रखा है, और नीचे में सेलेक्ट करके ऐसे कर देना है और यहाँ से डन कर देना है। अब चलना है फिर ऐड फोटो में, इसका पीएनजी लेना है, इसको ब्लेंड पे जाके स्क्रीन कर देना है। और डन कर देना है। फिर से ऐड फोटो में चलना है, इस बार इसका पीएनजी लेना है, ब्लेंड पे जाके स्क्रीन कर देना है। और डन कर देना है। गाइज अब हम लोगों का काम पिक्स आर्ट में ख़त्म हो गया। और यहाँ से जाके सेव कर लेंगे। गाइज अब हम लोग आ चुके हैं लाइट रूम में। चलना है सूरज वाले आइकन में, एक्सपोजर को कम करना है, कॉन्ट्रास्ट को भी कम करना है, और हाईलाइट को नहीं बढ़ाना है, शेडोज को बढ़ा देना है, वाइट को कम करना है, ब्लैक को भी कम करना है। अब चलना है टेम्परेचर वाले ऑप्शन में, टेम्परेचर को भी कम करना है -6, टिंट को 4, वाइब्रेंस को माइनस में लेके जाना है, सैचुरेशन को बढ़ा देना है। अब मिक्स में चलना है, रेड की ह्यू को 8 कर देना है, सैचुरेशन को -15, लुमिनेंस को बढ़ा देना है। अब ऑरेंज में चलना है, सैचुरेशन को कम करना है, लुमिनेंस को बढ़ाना है। येलो में चलना है, इसे सैचुरेशन कम करनी है, लुमिनेंस को बढ़ाना है। ग्रीन में चलना है, ह्यू को जो है प्लस में लेके जाना है, पूरा फुल कर देना है, और सैचुरेशन को -31 रखना है, लुमिनेंस को 21 पे ले जाना है। अब चलना है स्काई ब्लू वाले कलर में, इसकी आपको कुछ भी नहीं करनी है। डार्क ब्लू में चलना है, और इसकी ह्यू को जो है -38 पे लेके जाना है, अब चलना है पर्पल में, से सैचुरेशन को -60 कर देना है, 16, लुमिनेंस को 50 रखना है। अब चलना है इंडिगो वाले कलर में, और सैचुरेशन को -13, लुमिनेंस को 9, और यहाँ से डन कर देना है। अब चलना है बॉक्स वाले आइकन में, क्लैरिटी को रखना है 23, डीएस को बढ़ा देना है, और विग्नेट को -51 पे ले जाना है, मिड पॉइंट को 52 रखना है, फेदर को 65 पे, अब बस हो गया। ट्रायंगल ऑप्शन वाले में चलना है, शार्पनेस को 100 पे रखना है, नॉइस रिडक्शन को 70 पे ले जाना है, डिटेल को फुल कर देना है, कलर नॉइस रिडक्शन को 2 पे ले जाना है, डिटेल को फुल कर देना है, और स्मूथनेस को भी फुल।
अब चलना है सेलेक्टिव वाले ऑप्शन में, बॉक्स वाला सेलेक्ट करके नीचे में मार देना है। एक्सपोजर को थोड़ा कम कर देना है और डन कर देना है। अब चलना है लाइट वाले ऑप्शन में, कर्स में जाना है, यहाँ से 3 पॉइंट बना लेना है फिर से और नीचे से हल्का काम कर देना, फेडेड लुक आ जाएगा। गाइस देख सकते हैं एक क्लिक में कितनी बढ़िया फोटो एडिट हुई है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके जाना। मिलते हैं अगली वीडियो।